उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का डर माफियाओं और अपराधियों में साफ साफ देखने को मिल रहा है और ये डर अपराधियों और माफियाओं की कहीं ना कहीं नींद हराम करता हुआ अब तक नजर आया है। इसी की वानगी गोरखपुर में देखने को मिली जब बुलडोजर के डर से गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में शुमार माफिया राकेश यादव ने सरेंडर कर दिया। 52 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं राकेश यादव पर, लेकिन बुलडोजर एक्शन के डर से घबराकर राकेश यादव ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि 90 के दशक में अपराध में कदम रखने वाले राकेश यादव पर 52 मुकदमे दर्ज हैं। 25 मार्च 1996 को राकेश ने विधायक ओम प्रकाश पासवान की बम मारकर हत्या कर दी थी और अब राकेश यादव योगी के बुलडोजर एक्शन से घबरा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। माफिया अजीत शाही सुधीर सिंह के बाद अब माफिया राकेश यादव ने गोरखपुर के सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। फरार राकेश यादव के घर बुलडोजर चलाने की कवायद को पूरा करने के लिए गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा और अन्य कागजातों की जांच के बाद से ही उसके खौफ का काउंटडाउन शुरू हो गया था। उसके घर वाले भी बुलडोजर चलाने की उड़ती खबर के बाद से दहशत में थे। पुलिस के दबाव की वजह से राकेश यादव ने शनिवार को सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गोरखपुर में 90 के दशक में आतंक का पर्याय रहे माफिया राकेश यादव ने सिविल कोर्ट में शनिवार को सरेंडर किया। बाबा के बुलडोजर का खौफ माफियाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि राकेश यादव ने सरेंडर करने में ही भलाई समझी। पुलिस उसकी तलाश में लगातार उसके ठिकानों पर दबिश भी डाल रही है। 90 के दशक में अपराध में कदम रखने वाले इस माफिया पर 52 मुकदमे दर्ज हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मैं तो वो तब से है जब 25 मार्च 1996 को मनीराम के तत्कालीन विधायक ओम प्रकाश पासवान की मल्हानपार रोड पर चुनावी जनसभा में उसने बम मारकर हत्या कर दी और राकेश यादव इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया। अंडरग्राउंड होकर जमीन का धंधा करने वाला माफिया राकेश यादव बदमाशों की सूची में गोरखपुर जिले में टॉप 10 और प्रदेश के टॉप 61 अपराधियों में शामिल है। राकेश यादव की जड़ें जमीन के धंधे में इतनी गहरी हैं कि विवादित भूमि पर कब्जा करने से लेकर उसे बेचने तक में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। पुलिस को कई दिनों से उसकी तलाश थी लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। माफिया राकेश यादव ने पुलिस को चकमा देते हुए शनिवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। ओम प्रकाश पासवान की हत्या के मामले में जेल से छूटने के बाद उसने लंबे समय तक नेपाल में भी शरण ली थी। माफिया राकेश यादव पर दर्ज मुकदमों में से 6 मामलों में अब पुलिस कोर्ट में पैरवी करेगी। कोर्ट में गवाही और सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि सजा हो सके। पीपीगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर केस अपराध संख्या 89/91, गुलहिरा थाने में दर्ज 332/99, गुलरिहा में दर्ज आर्म्स एक्ट अपराध 333/99, गुलरिहा में ही अपराध संख्या 600/19 और पिपराइच में दर्ज अपराध संख्या 77/2020, गुलरिहा एक्ट अपराध संख्या 870/22 की पैरवी पुलिस करेगी। ये जानकारी पुलिस सूत्रों से मिली है। वहीं आपको बता दें कि राकेश यादव के अधिवक्ता निलय कुमार मिश्रा ने बताया कि राकेश वर्तमान में किसी भी मुकदमे में वांछित नहीं है। प्रशासन का दबाव रहा कि वो किसी भी मुकदमे में जेल चले जाए। प्रशासन के दबाव के एक मुकदमे में जमानत निरस्त कराकर उसे जेल भेज दिया गया है। उसके ऊपर विधायक ओम प्रकाश पासवान की हत्या का मुकदमा रहा है जिसमें वो साल 2018 में बरी हो चुका है। अधिकतम मुकदमों में वो बरी हो चुके हैं। 2020-22 में जो मुकदमे हैं वो उनमें आरोपी बनाए गए हैं, ये बात अधिवक्ता ने कही है। राकेश यादव के जेएम प्रथम कोर्ट में
शनिवार को 11 बजे सरेंडर की बात भी वकील ने बताई है। चिलवातला में एक 307 के मुकदमे में उसने जमानत कराई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस उसके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे बताती है, लेकिन उसके ऊपर वर्तमान में सिर्फ 5 मुकदमे हैं। पूर्व के सारे मुकदमे खत्म हो चुके हैं, उनमें वो दोष मुक्त हो चुका है, तो ये वकील का कहना है। लेकिन अपराध की दुनिया में गोरखपुर में खौफ का पर्याय बन चुके राकेश यादव का बुलडोजर से खौफ खाकर सरेंडर करना कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की सख्त कार्रवाई की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ